हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम, जैसा कि टाइटल से पता ही चलता है, द इमॉर्टल ज़िगज़वैंग। फ्रेंड्स, ये गेम काफ़ी पुरानी है। 1923 में खेली गई ये गेम कोपेनहेगन डेनमार्क की है, जो फ्रेडरिक समिश्क और अरोन निम्ज़ोविच के बीच में खेली गई थी। और मुझे यहाँ इस एक्साइटिंग गेम के बारे में बबीता शाह जी ने वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं ये वीडियो की शुरुआत में ही उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और समझने के लिए भी एक अच्छा खासा दिमाग यहाँ इस गेम में लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज आपका और समय न लेते हुए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की फ्रेडरिक ने d4 के साथ, तो नाइट f6, यहाँ निम्ज़ोविच ने चला c4, देन e6, नाइट f3, b6, g3, बिशप b7, बिशप g2, देन बिशप e7, नाइट c3। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया d5, तो नाइट e5 एग्रेसिव स्क्वायर है गेम की शुरुआत में वाइट के लिए। देन c6, c takes d5, c takes d5, देन बिशप f4, तो a6, देन रुक c1, b5, क्वीन b3, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया नाइट c6। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट c6 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो इस c6 नाइट पर वाइट के दो अटैक टारगेट लगा सकते हैं, बशर्ते वाइट किसी तरह से इस नाइट को किसी एडवांटेज के साथ यहाँ रिमूव कर दे। सपोज अगर यहाँ वाइट कर दे नाइट टेक्स b5, और अब अगर ब्लैक यहाँ सिंपल मेटीरियल एक्शंस करे a takes b5, तो नाइट टेक्स c6, बिशप टेक्स c6, रूक टेक्स c6, क्लियर एडवांटेज यहाँ एक पॉन का, इनफैक्ट माइट भी दो पॉन का यहाँ वाइट को हो सकता है। लेकिन इस मूव में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ इस पोजीशन से अगर वाइट अपने नाइट को सेक्रीफाइस करे तो ब्लैक पहले यहाँ करेगा नाइट a5, वो यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाएगा, तो ये एक ड्रॉबैक भी हुआ। क्वीन अगर c3 स्क्वायर पर जाए तो उसके बाद a takes b5, और यहाँ वाइट को अपने नाइट गंवाना होगा, तो ये मूव इतना शार्प भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस गेम को ही देखते हैं। यहाँ वाइट ने किया नाइट टेक्स c6, c6 स्क्वायर पर सिंपल मेटीरियल एक्शंस किया, बिशप टेक्स c6, और अब इस नाइट को किस तरह के एडवांटेज से कहीं मूव कर सकता है। ये नाइट मुझे तो कोई खास तरीका नज़र नहीं आ रहा, नाइट e4 कोई एडवांटेज नहीं होता, तो डी टेक्स e4, रुक टेक्स c6, मेटीरियल एक्शंस ही हो, क्वीन टेक्स d4, नो यूज़। तो फ्रेडरिक ने यहाँ किया h3, क्वीन d7, देन किंग h2, नाइट h5, बिशप d2, बिशप को वाइट ने यहाँ बचाया, देन f5, क्वीन d1। और फ्रेंड्स, यहाँ ये क्वीन d1 स्क्वायर पर जाने के बाद वाइट के पास कुछ तो ऑप्शन इस नाइट के लिए बचती है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक यहाँ इस नाइट को वापस भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ ऐसा नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया b4, वाइट के नाइट पर अटैक बनाए, तो नाइट b1 स्क्वायर पर। और जो बेसिक गलतियाँ खिलाड़ी करते हैं नाइट मिडिल गेम में और अपने ओरिजिनल स्क्वायर पर, बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटर होता कि यह नाइट किसी एक्टिव स्क्वायर पर जा सकता। बिशप b5, और यहाँ ब्लैक का इरादा इस रुख तक टारगेट लगाने का है, तो रुक g1, बिशप d6, देन e4, और वाइट ने वही काम किया जिसके बारे में अभी कह रहा था। उन्होंने यहाँ पहले अपने रुख को साइड में किया ताकि ये बिशप यहाँ इस रुख तक ना पहुँच पाए, और उसके बाद अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, और एटलीस्ट यहाँ ब्लैक को कुछ ना कुछ मटेरियल तो लॉस होने वाला है। सपोज अगर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को बचाए f6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद e5, और ब्लैक यहाँ एक पीस डाउन होगा ही होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के पास और क्या ऑप्शन है? ब्लैक यहाँ कर सकता है g6, ये बेटर ऑप्शन हो सकती थी। और अब अगर वाइट यहाँ करे e5, तो बिशप e7, और जो अटैक यहाँ ब्लैक लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं गेम देख चुका हूँ, वो यहाँ नलीफाई होता चला जाएगा। तो यहाँ निम्ज़ोविच ने अपने इस नाइट को नहीं बचाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने यहाँ इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, f takes e4। यहाँ ब्लैक ने इस नाइट के बदले में एक पॉन को लिया, क्वीन टेक्स h5, देन रुक टेक्स f2, नाइट के बदले में दो पॉन्स, चलो क्वीन g5, एंड वाई दिस क्वीन g5 मूव? रुक एट ए गोज़ टू f8, ब्लैक कोर चाहिए ही क्या? एक अच्छी खासी बैटरी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक
वाइट के ऊपर हो चुका है और ऊपर से वाइट ने यहाँ अपने किंग को एच वन स्क्वायर पर मूव कर दिया, और एच वन स्क्वायर पर करने के बाद ये जी थ्री पॉन थोड़ा वीक है। माइट बी वाइट यहाँ प्लान कर रहा होगा इस जी पॉन को आगे पुश करने के लिए, हो सकता है, लेकिन ये किंग एच वन मूव यहाँ वाइट को काफ़ी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले निम्ज़ोविच ने किया रुक एट एट गोज टू एफ फाइव, और आप कह सकते हैं कि वाइट की एक क्वीन काफ़ी हद तक ट्रैप हो चुकी है। अब ये क्वीन कहाँ जाए? अगर ये क्वीन एच फोर स्क्वायर पर जाए तो उसके बाद बिशप ई सेवन क्वीन पर अटैक होगा, तो इस क्वीन के जाने के लिए क्या जगह है? जी फोर, लेकिन उसके बाद बिशप ई टू, और वाइट को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी ही होगी। तो यहाँ इस पोजीशन से अगर वाइट को अपनी क्वीन बचानी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें यहाँ अपना रुक सेक्रीफाइस करना होगा। वो यहाँ कर सकते हैं रुक टेक सी एट चेक, देन किंग एफ सेवन यहाँ ब्लैक को करना होगा, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक एच सेवन, और सिर्फ यही एक तरीका था वाइट के पास अपनी क्वीन बचाने का, क्वीन टेक सी एट, देन जी फोर रुक पर अटैक होगा और वाइट यहाँ चांस ले सकता है ब्लैक के रुक को लेने का। खैर यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था क्वीन ई थ्री, और फ्रेंड्स यहाँ ये क्वीन ई थ्री स्क्वायर पर, यहाँ ब्लैक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकता था रुक ई टू, वो यहाँ क्वीन पर अटैक बना सकता था, और इस क्वीन के जाने के लिए कहाँ जगह बचती है? बी थ्री, सिर्फ यही एक स्क्वायर है, लेकिन बिशप ए फोर के बाद ये स्क्वायर भी किसी काम का नहीं रहा, तो वाइट की इस क्वीन के लिए ज़्यादा जगहें हैं नहीं। लेकिन निम्ज़ोविच ने यहाँ अपने इस रुक को अभी ई टू स्क्वायर पर नहीं रखा, उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप डी थ्री, और यहाँ ये बिशप डी थ्री से आखिर वाइट को कोई ज़्यादा खास फ़ायदा मिल रहा है? मुझे तो लगता नहीं है। यहाँ वाइट अब करे तो करे क्या, वो यहाँ अपनी क्वीन को किस तरह से बचाए? क्वीन को ई वन स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसिव पोजिशन बन जाएगी ये वाइट के लिए। ब्लैक यहाँ करेगा बिशप टेक्स जी थ्री, वो यहाँ एक डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी कर सकता है क्वीन के ऊपर, तो क्वीन डी वन, और इस तरीके से शायद वाइट अपनी क्वीन को बचा सकता था। लेकिन जब यहाँ इस पोजीशन से फ्रेडरिक ने किया रुक एट सी गोज़ टू ई वन, तो इतनी बुरी कंप्रेस्ड पोजीशन में ये मूव बिल्कुल सुसाइडियल है। यहाँ इस क्वीन के लिए कहाँ जगह बचती है? यहाँ निम्ज़ोविच ने किया एच सिक्स, और यहाँ इस मूव के बाद शायद फ्रेडरिक को कुछ अपनी गेम की कुछ कंडीशन समझ में आई होंगी और उन्होंने यहाँ रिज़ाइन कर दिया था। फ्रेंड्स यहाँ वाइट के आखिर रेजिग्नेशन की वजह क्या है? वाइट ने जब इस अपने रुक को ईवन स्क्वायर पर प्लेस किया तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही रहा होगा कि ब्लैक का अगला मूव यहाँ रुक ई टू ही होगा और ये क्वीन ट्रैप हो सकती है। लेकिन अब जब चूंकि ये रुक ईवन स्क्वायर पर आ चुका है तो वाइट के पास अब आखिर ऑप्शंस क्या बचती हैं? यहाँ वाइट क्या मूव चल सकता है? एक मूव है कि वाइट यहाँ करे जी फोर, लेकिन अगर यहाँ वाइट इस जी फोर मूव का चले तो उसके बाद रुक एट फाइव गोज़ टू एफ थ्री के बाद आखिर वाइट की क्वीन जाएगी कहाँ? अगर यहाँ वाइट करे बिशप टेक्स एफ थ्री तो उसके बाद रुक एच टू चेक, और ये मेट है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाइट की इस जी वन रुक के साथ, जिसने वाइट के किंग को जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी है। तो यहाँ इस पोजीशन से वाइट अपने बिशप से रुक तो नहीं ले सकता। सपोज अगर वो यहाँ करे क्वीन टेक्स एफ थ्री, मैक्सिमम डैमेज यहाँ वाइट को करने की कोशिश करे, तो उसके बाद ई टेक्स एफ थ्री, और वाइट को साथ ही साथ अपने इस बिशप को भी गंवाना होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से वाइट और क्या मूव चल सकता है? और ऑप्शन में क्या वो किंग को मूव कर सकता है? माइट बी किंग एच टू कर दे, वो यहाँ इस एफ थ्री पॉन पर कुछ डिफेंस करे, लेकिन फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा रुक एट फाइव गोज टू एफ थ्री, उनका तो रुक ही इस क्वीन पर आएगा, और चूंकि अब यहाँ ये बिशप पिन हो चुका है तो ये बिशप इस रुक को भी नहीं ले सकता, तो क्वीन टेक्स एफ थ्री वाइट को करना होगा, लेकिन ई टेक्स एफ थ्री के बाद फिर दोबारा वही बात कि वाइट को यहाँ अपना बिशप कमाना होगा। फ्रेंड्स वाइट ने पिछले पाँच मूव में जिस तरह से ये गेम खेली थी वो उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे कि वे इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे। ऐसे ट्रैप्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जो यहाँ अरोन निम्ज़ोविच ने यहाँ लगा कर दिखाया है, जिसकी वजह से फ्रेडरिक ने यहाँ रिज़ाइन कर दिया। और मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा से बबीता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी अच्छी गेम के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।